दोस्तों, हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना सकती है और बचने का मौका भी नहीं देती। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हार्ट अटैक क्यों आता है। दोस्तों, हमारे हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज होती है जो हमारे हार्ट की मसल्स में ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई करती है, परंतु असंतुलित खान पान, फैट और कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे हार्ट की मसल्स में फैट जमा होने लग जाता है। और फिर जब इंसान शराब, स्मोकिंग, नॉनवेज और तंबाकू जैसी चीजों का सेवन करता है, या फिर तनाव, मोटापा, हाई बीपी या शुगर जैसी बीमारी का शिकार होता है, तो यह प्लेग फट जाता है। उस वजह से हमारे हार्ट की सेल्स काम करना बंद कर देती है, जिससे हमें हार्ट अटैक हो जाता है। दोस्तों, इस हार्ट अटैक जैसी बीमारी से कैसा बचा जाता है, इसको जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर पार्ट 2 देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ ऐसी टिप्स जो हार्ट अटैक के खतरे को 99% तक घटा सकती है। तो टिप्स नंबर 1 है कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ही हार्ट अटैक आता है, क्योंकि ये हमारे हार्ट के मसल्स को चोक कर देता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए एनिमल फूड्स जैसे मीट, एग, दूध की मलाई, साथ ही जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, ऑयली फूड से बचकर रेगुलर मॉर्निंग वॉक करना होगा। दोस्तों, टिप्स नंबर 2 है शक्कर, तंबाकू, सिगरेट और शराब से बचाओ, क्योंकि दोस्तों यही चीजें कोलेस्ट्रॉल से बने प्लेग को रगड़ रगड़ कर फाड़ देते हैं, जिससे हमारे हार्ट में खून के धब्बे बन जाते हैं और हार्ट अटैक आता है। दोस्तों, टिप्स नंबर 3 है ग्रीन टी, सेब, अनार, भरपूर पानी पीना, हरी गोभी, लहसुन, पालक जैसी चीजों का सेवन करना, क्योंकि दोस्तों यही चीजें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकती है।